तो आदमपुर में उपचुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दिन है। इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है। चौटाला क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। पार्टी के हलका के जिला के प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेतागण आपके अपने सदा आपके बीच में रहने वाले आपके संघर्ष के साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कुड़ाराम नंबरदार जी आज इस चुनावी रैली में आए हुए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव से हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान योग्य माताओं बहनों पत्रकार छायाकार दोस्तों मैं सबसे पहले आपको आज एक नवंबर का दिन है हरियाणा एक अलग प्रदेश बना था एक हिंदी भाषी क्षेत्र बना था। आज के इस पावन दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ जिस भारी संख्या में आज आप आए हैं आपने आज आकर के जिस तरह से बड़े बुजुर्गों ने आज चौधरी कुड़ाराम जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया कि नौजवान साथियों ने कुड़ाराम जी को जिस ढंग से आज आश्वस्त किया इन माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद और प्यार दर्शाया आज मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा या जनसभा मुख्यमंत्री की भी थी कल भी एक जनसभा इसी स्थान पे हुई थी कल की जनसभा में भी और आज के मुख्यमंत्री की जनसभा में भी बाहर से लोगों को देख करके ढोकर के लेकर के आया गया था लेकिन हमने जब जनसभा करने का निर्णय लिया आज से दो दिन पहले सभी जोन प्रभारियों के साथ जब बैठक करी थी दो बात चली थी। कुछ साथियों का कहना था कि हमें बड़े काफिले के साथ आज के पूरे दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक मार्च के रूप में गांव गांव में जाकर के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए और कुछ साथियों का विचार था कि आज हमें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से पार्टी के साथियों को बल संबंध में बुला करके पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मैसेज दे देना चाहिए। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी अलग अलग तरह की बातें सुनने में आ रही थी मैं तकरीबन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में गया आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सब में एक एक गांव में जाकर के गांव के लोगों से अपील करी थी और लोगों ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भरपूर विश्वास इस बात का दिलाया था कि जो विश्वास आपने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे व्यक्त किया है हम हर हालत में आपके इस भरोसे को आपके इस आश्वासन को आपकी इस ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जिस ढंग से आप आए
आज जिस संयम के साथ आपने बैठ करके ये साबित कर दिया कि 3 तारीख को जब मतदान होगा, एक एक वोट किसान नेता संघर्ष के साथी आपके अपने कुलडा राम जी के पक्ष में अनक के निशान पे लगाकर इनको भारी बहुमत के साथ जिताने का काम करोगे। साथियों, मेरे से पहले बोलने वाले साथी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। कई साथियों ने इस बात का जिक्र किया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक किसान, एक संघर्षशील व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बनाकर के आपके बीच में भेजा है। चुनाव से पूर्व जब चुनाव की घोषणा हुई थी, हमने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाएंगे, आम लोगों से मिलकर किसको चुनाव लड़ाया जाए, लोगों की जो राय होगी मुताबिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुला करके फैसला लेंगे कि चुनाव कौन लड़े। उसी दौरान आपके संबंध में एक बड़ी पंचायत हुई थी, मैंने सुरक्षा कार्यों में साथ निभाने वाला कौन ऐसा साथी है जिसको हम आगे करें। जिस दिन आपकी बाल समंद की पंचायत हो रही थी, इसी मैदान में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे और लोगों ने सबने चौधरी कुलडाराम से एक ही बात कही थी। चौधरी कुलडाराम तो कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने इनसे कहा था कि हमें आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है, जहां आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ देते हैं, भाई हम सबकी इच्छा है कि आप विधानसभा में जाकर के इस इलाके की आवाज बुलंद करने का काम करें। अगर कोई पार्टी कहीं आपका अपमान करने का काम करेगी तो हम आपके साथ खड़े होकर के आपके चुनाव पे आपको इस चुनाव में लड़ाने का काम करेंगे। चौधरी कुलडाराम को जब कांग्रेस ने अपमानित किया, हमारे पास हमारे साथियों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था, बात तो ये कही जा रही थी कि परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए। मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने जो 5 साथी गए थे उनको बैठा करके बताया था कि लोगों की इच्छा तो ये है कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े, ताकि साधुपुर में कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके, कहीं ना कहीं इनकी आवाज को खड़ा किया जा सके। मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि कांग्रेस की टिकट चौधरी कुलडाराम मांग रहे थे, लोग चौधरी कुलडाराम के साथ हैं, लोग चौधरी कुलडाराम पे विश्वास करते हैं। चौधरी कुलडाराम जो खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्षशील है, सदा लोगों के बीच में रहे, इनकी लड़ाई लड़ी है,